वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक यानी सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई अपना संपत्ति विवरण कैसे अपडेट करें। कल का वीडियो इसी रिलेटेड था, इसमें अचल संपत्ति विवरण के लिए प्रोफाइल तैयार करना था। इसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक के लिए यहाँ पर ये प्रोफाइल वीडियो मेरे चैनल पर कल ही अपलोड हुआ है। इसमें सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई के लिए इस बार ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो प्रोफाइल क्रिएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपन स्टेट एम्प्लॉई यानी फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर वगैरह तो हर साल भरते हैं, लेकिन अपने लिए यानी सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई के लिए फर्स्ट मौका है, पहला मौका है, इसलिए सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इम्प्लॉई का प्रोफाइल क्रिएट होगा जब ही अपना IPR यानी इमोवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्न। कई साथी ये समझ रहे हैं कि IPR यानी IPR को ITR समझ जाता है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता है, ये नहीं है। ये अपने पास में अचल संपत्ति का विवरण अपन को भर के देना है। अचल संपत्ति अपने पास में रेजिडेंशियल यानी मकान में एग्रीकल्चर जमीन हो सकती है, अपने पास में प्लॉट भी है अपने पास में, तो वो सारी जो अचल संपत्ति है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक मैडम है, उनका IPR यानी अचल संपत्ति रिटर्न मैंने भरा है अभी, इसको यहाँ से अपडेट यानी कि इसको फाइनल सबमिट मैंने नहीं किया है। यहाँ पर तीन चार बटन दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहला बटन है ऐड यानी कि इसके पास में केवल रेजिडेंशियल मकान ही है, उसके अलावा आपके पास में एग्रीकल्चर जमीन है या प्लॉट वगैरह है तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही आपकी यहाँ पर ऐड हुई है, यानी संपत्ति के नाम से क्या अपडेट हुआ है, केवल रेजिडेंशियल मकान ही इनके अपडेट का। तीसरा है डिलीट, अगर ये संपत्ति आपके गलत ऐड हो गई है तो इसको डिलीट कर सकते हैं। चौथा बटन है वीव IPR यानी आपने जो अचल संपत्ति का विवरण भरा है उसको वीव करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट बटन दिखाई दे रहा है, वो है सबमिट IPR यानी फाइनल सबमिशन का बटन है। इसमें एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा और ये इससे सबमिट हो जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं अपडेट करके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास में दूसरी संपत्ति है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी संपत्ति नहीं है, केवल रेजिडेंशियल मकान ही इन्होंने बताया था, तो इसको अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैंने कैसे ऐड किया वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी का लिख दिया मैंने रेजिडेंशियल, यहाँ पर किस टाइप की प्रॉपर्टी है आपके पास में, जैसे एग्रीकल्चर यानी खेतीहर जमीन है, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया अदर्स टाइप, तो यहाँ पर अपने पास में केवल रेजिडेंशियल केवल मकान था इनके पास में, तो अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिपेंडेंट, यानी आप अगर सेल्फ हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ को चॉइस करेंगे, लेकिन ये डिपेंड है अपने हस्बैंड पर डिपेंड है, तो इन्होंने यहाँ पर डिपेंड करके यहाँ पर ये एड्रेस रिलेशन यानी रिलेशन लिख दिया। यहाँ पर स्पाउस यानी उनका जो नॉमिनी है वही उनके हस्बैंड है, तो यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके यहाँ पर सेव किया, वो नीचे ये ऐड कर दिया इसलिए यहाँ पर सेव दिखाई दे रहा है नीचे। और नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर मैनर एक्यूड यानी कि इनके पास में जो रेजिडेंशियल मकान इन्होंने लिखा है वो किस टाइप का है, इनहेरिटेंस विल, और यहाँ पर ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ये उनके माता पिता की पैतृक संपत्ति है, मकान है वो माता पिता ने बनाया था। अब यहाँ पर कब बनाया था ये मकान, मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसको डेट वाइज लिखना है, लेकिन ये तो मकान है पुराना है, इनका रेजिडेंशियल तो 1977 में ये बना था, तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पर ये एड्रेस आ गया उनका। इसके बाद में आता है कि प्रेजेंट वैल्यू प्रॉपर्टी, इस मकान की कितनी वैल्यू है फिलहाल, अभी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो ये तो पुराना मकान है तो इसकी 2 लाख यहाँ पर वैल्यू लिख दी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एन्यूअल इनकम फ्रॉम पॉवर्टी, जैसे कि मेरा खुद का है तो मेरे खुद के पास में एक्स्ट्रा एक सिटी में मकान और भी है मेरे पास में, जैसे रेजिडेंशियल मकान मेरा और है, मेरे पास में प्लॉट वगैरह भी है, तो उससे अर्निंग्स आती है अगर, तो वो यहाँ पर आपको यस करना है। अब यहाँ पर तो ये केवल रेजिडेंशियल
मकान है इसलिए इसकी कोई अर्निंग नहीं आती है, तो नो कर दिया और रिमार्क में यहाँ पर डाल दिया अपने गुड और इसको कर लिया अपने सेव। तो ये अपन वापस थे जहाँ पर आ गए। अब अपन को वीव करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और वीव आईपीआर की अपन ने क्या भरा है, तो यहाँ पर ये स्थावर संपत्ति का विवरण, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया संपूर्ण स्थावर संपत्ति का विवरण वर्ष 2020 जनवरी 1 जनवरी 21, यानी कि यहाँ पर ये डेट तो कहाँ से आई है तो मेरे को पता नहीं है, वो सिस्टम की डेट है कोई। और यहाँ पर ये अधिकारी पद का नाम वगैरह ये सारा लिखा हुआ है, ये मैडम का नाम है यहाँ पर और इनका पद तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड और वर्तमान विभाग एलिमेंट्री एजुकेशन एडमिन। यहाँ पर एक बात कंफ्यूज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई साथी ये पूछ रहे हैं कि जैसे 6D में आप सीनियर स्कूल में गए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका जो एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा के हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन एडमिन डिपार्टमेंट ये सेलेक्ट होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट अपना सही सही सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका आईपीआर यानी कि आपके एसएसओ में ये संपत्ति विवरण का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में सेवा संवर्ग है इनका एजुकेशन सबोर्डिनेट सर्विस और पैतृक विभाग एलिमेंट्री एजुकेशन और वर्तमान वेतन इनका 47,900 है, ये 2007 की पोस्टिंग है तो इनका पहले 46,500 था, अभी जुलाई में वेतन बढ़ के 47,900 और इनकी ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। अपन वीव देख रहे हैं इसका, ये तो हो गई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, ऊपर ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो गई और अब आता है यहाँ पर उनके द्वारा भरी गई संपत्ति का विवरण। इसमें संपत्ति का विवरण है, इन्होंने केवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी अपना मकान बताया है केवल, और संपत्ति का स्थान ये एम्प्लॉय का एड्रेस है जहाँ पर ये संपत्ति है जहाँ पर रहते हैं, और स्वामित्व विवरण इनका डिपेंडेड है क्योंकि ये लेडीज हैं वाइफ हैं तो ये डिपेंड है, ये कोई सेल्फ नहीं है, और इनके हस्बैंड का नाम है यहाँ पर। अधिग्रहण का तरीका यानी कि 1977 में ये मकान बनाया था, और इनहेरिटेज यानी कि ये किसकी संपत्ति है, पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति है ये, लेकिन अभी इनका बेटा इसमें रह रहा है। वर्तमान कीमत अपन ने वहाँ पर देखी थी, इसकी मार्केट वैल्यू भी केवल 2 लाख है क्योंकि पुराना मकान है, और संपत्ति से वार्षिक आय मैंने पहले ही बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में सिटी में एक्स्ट्रा मकान है और मेरे पास में प्लॉट वगैरह भी है मेरे रेजिडेंशियल मकान के अलावा हैं जिसका रेंट भी मेरे को मंथली अर्निंग्स आती है, तो यहाँ पर वो अर्निंग शो की जाती है जो इस प्रॉपर्टी से होती है, लेकिन यहाँ पर तो केवल रेजिडेंशियल है, यहाँ पर कोई उससे अर्निंग्स नहीं होती है, तो यहाँ पर जीरो और अभ्युक्ति यहाँ पर गुड लिख दिया था अपन ने, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है और दिनांक कब फिल किया इसको 20 जुलाई 2021 को। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस अपन देखने वाले हैं वो है यहाँ पर सबमिट आईपीआर। सबमिट आईपीआर यानी इस पर जो अपने आईपीआर सबमिट किया है वीव एंड सबमिट, तो ये यहाँ पर वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केवल एक ओटीपी आएगा एम्प्लॉय के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ये सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद में भी एक चीज मैं आपको और भी बताने वाला हूँ कि इसको वेरीफाई करना एम्प्लॉय द्वारा, ये वेरीफाई होगा ग्रीन टिक होगा ये, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।